इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। त्रिपुरा में जिस तरह मुस्लिम कश फसाद वीएचपी और हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से बर्पा किए गए फसाद में जलते घरों की, जलते इबादत गाहों की तपिश को पूरे मुल्क में महसूस किया जा रहा है। वैसे तो अब इस देश में और क्या क्या होना है इसका महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि अब तो देशभक्ति देशद्रोही के मायने ही बदल दिए गए। हुकूमत अदालत इंतजामिया भी अब कटघरे में खड़ी की जा रही है। कंगना रनौत जो एक फिल्मी अदाकारा है, जो अक्सर आपको कम कपड़े में नजर आती है और एक समाज को, खासकर मुस्लिम समाज को लेकर जहर आलूद बयान देती है, हमेशा कुछ ना कुछ नफरती बयान के जरिए घटिया मकबूलियत बटोरती है। अब तो इसने हद पार करते हुए इस आजादी को ही गलत साबित करते हुए भीख में मिली आजादी कहकर मुल्क की आजादी के लिए जानों के नजराने पेश करने वाले उन मुजाहिद आजादी के लहू को पामाल कर दिया। खैर, अब तो इस देश का तवाजन ही बिगड़ता जा रहा है, लिहाजा इसी घटिया और सरफिरी खातून को पद्मश्री दिया गया। इससे यह बात भी साबित होती है कि किस मियार के लोग होने के बाद आपको मुल्क का सबसे ऊंचा एजाज हासिल हो सकता है। अगर यही बात किसी मुस्लिम ने की होती तो शायद भाजपा और हिंदुत्ववादी मुल्क में किस तरह का हंगामा मचाकर देश से बाहर निकालने के इजलास जुलूस निकाले गए होते। खैर, आज बात रजा एकेडमी की जानिब से भारत में मुख्तलिफ शहरों में बंद का ऐलान किया गया था। वीएचपी बजरंग दल आरएसएस की जानिब से जिस जुलूस के जरिए त्रिपुरा में तारीखी फसाद बर्पा किया गया, उसी जुलूस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज भी इस्तेमाल भी किए गए थे। अब सोशल मीडिया पर त्रिपुरा फसाद के वीडियोस वायरल हो गए, जिसमें नबी की शान में गुस्ताखी करने का वीडियो भी वायरल हुआ। लिहाजा अब मुसलमानों में गुस्से का मुजहरा देखा जा रहा है। रजा एकेडमी बम्बई की जानिब से मुस्लिम इलाकों में बाजारों को बंद करने का ऐलान किया गया था, जिसमें तकरीबन बाजार बंद किए गए थे। नबी की शान में गुस्ताखी की बिना पर और मुसलमानों पर मुल्क में हो रहे जुल्म ज्यादती के खिलाफ आज बंद का ऐलान किया गया था। रजा एकेडमी के इस ऐलान पर मुल्क की सतह पर असर देखा गया। रियासत कर्नाटक में भी मुसलमानों की जानिब से बंद का ऐलान किया गया था। आज बेलगाम शहर में भी सीरत कमेटी की जानिब से रजा एकेडमी के ऐलान पर नबी की शान में हुई गुस्ताखी और मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम पर सख्त एहतजाज करते हुए डीसी बेलगाम को मुतालबा पेश किया गया। इस वक्त कसीर तादाद में नौजवान भी शरीक रहे। मुस्लिम इलाकों में दुकानों को बंद कर त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे तशद्दुद पर गुस्से का इजहार किया गया। खासकर दरबार गली, खंजर गली, काकती वेस्ट, न्यू गांधी नगर, उज्जवल नगर, आजाद नगर, फोर्ट रोड और भी दिगर जगहों पर कारोबार को बंद रखा गया। सीरत कमेटी के सदर अकबर बागवान, हाफिज नजीरुल्ला, मौलाना सरदार, मौलाना मुश्ताक, मौलाना अलाउद्दीन, शोएब रजा, हाफिज अशफाक और दिगर हजरात भी मौजूद रहे। खैर, त्रिपुरा के मसले पर आवाज उठाना जरूरी था, जो उठाई गई, पर इस आवाज को और भी तेजी से उठाया जा सकता था। लोगों को इकट्ठा कर समाज पर हो रहे जुल्म ज्यादती पर और भी कहा जा सकता था, ऐसा भी आवाम का कहना था। बेलगाम शहर में इत्तेहाद की कमी को महसूस भी किया जा रहा है, मुस्लिम कयादत नजर नहीं आ रही। लिहाजा जिस कदर हर रोज इस कौम को निशाने पर लिया जा रहा है और खुद हुकूमतें भी यही चाहती है कि इस माशरे को, इस कौम के अपराधों को डर के साए में रखा जाए ताकि किसी तरह की आवाज ही उठा ना सके। वरना तो आज की तारीख में कंगना रनौत जैसी बी ग्रेड फिल्मी अदाकारा सीधा मुजाहिद आजादियों को ही बदनाम कर भारत को मिली आजादी को भीख में मिली आजादी कहना कोई यूं ही नहीं कहता। मतलब इसके पीछे साजिश है, जब इस मुल्क के स्वतंत्रता सेनानियों को ही बेइज्जत किया जा रहा है और ऐसी सरफिरी खातून को पद्मश्री दिया जाता है, इसका क्या मतलब हो सकता है। वही दूसरी ओर कांग्रेस का एक सलमान खुर्शीद ने लिखी अयोध्या नाम की किताब पर भाजपा और हिंदुत्ववादियों की जानिब से मुल्क भर में फिर से हंगामा बर्पा करना शुरू किया जा रहा है, ताकि स्वतंत्रता सेनानियों पर जो पैगाम देना था वो तो कंगना रनौत ने दे ही दिया, यानी कि किसके कहने पर दिया वो अलग बात है, और अयोध्या की किताब पर मुल्क की सतह पर इतना हंगामा खड़ा किया गया कि इस शोर में कंगना रनौत की बात को खामोश रहकर सही साबित किया जाए। हमेशा मुंह से गोबर ही उगलने वाली कंगना ने ये अल्फाज जानबूझकर कहे। क्या इस तरह फ्रीडम फाइटर्स की बदनामी पर भाजपा या मोदी हुकूमत पद्मश्री छीन लेगी? नहीं लेगी, क्योंकि बातें किसी के कहने पर कही जा रही है। ये अलग मौजू है कि सलमान खुर्शीद ने जो बात लिखी और कही है कितनी कड़वी है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब अयोध्या में लिखा है कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है और मौजूदा हिंदुत्व दहशतगर्दी के पस मंजर में देखा जाता है, जैसे दिगर मुल्कों में दहशतगर्द दंदना रहे
अब हिंदुत्व के ठेकेदारों को इस पर गुस्सा आया और उन्होंने इस बात पर हंगामा खड़ा किया। हिंदुत्व को बोको हराम आइसिस से जोड़ना मतलब हिंदुत्व की तोहीन है, लिहाजा हिंदुत्व पर तोहीन आमोज अल्फाज कहकर अब भाजपा की जानिब से सलमान खुर्शीद के खिलाफ तहरीक छेड़ी जा रही। लेकिन जिस सिरफरी खातून कंगना रानौत ने जो महज मुस्लिम मुखालिफ बयानबाजी करके ना सिर्फ पैसा कमाया बल्कि पद्मश्री जैसे आला एजाज से भी नवाजा गया, इस पर क्यों भाजपा ही नहीं बोल रही? और शायद भारत में ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी भी नहीं, पर जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं तो इन पर कार्रवाई की धमकी या फिर महज 10-5 अपराधों को जमाने की इजाजत दी जाती है। लिहाजा आज बेलगाम डीसी दफ्तर के करीब सीरत कमेटी के गिने चुने कारकुनान जमा नजर आए। आज भारत के मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस और एहतजाज किए गए, पर बेलगाम शहर में मुसलमानों में इत्तेहाद की कमी को महसूस किया गया। वैसे तो इंतजामिया की जानिब से बहुत ही कम तादाद में मुतालबा पेश करने की हिदायत दी गई थी, ऐसा भी कहा जा रहा है। शहरी सतह के और भी अवाम जुड़ सकती थी लेकिन इंतजामिया का दबाव भी नजर आ रहा था। पर सवाल ये उठता है कि क्या अपने हक की खातिर आवाज उठाना जुर्म है? एहतजाज, जुलूस, आंदोलन, ये तमाम तो लोकतंत्र यानी जमहूरियत के जेवर है, गहने हैं। अगर जमहूरियत जिंदा होने की दलील ही ये है कि सत्ता में बैठे सत्ताधीशों के खिलाफ आवाज उठाते रहे। त्रिपुरा भारत का ही हिस्सा है जहां मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, लिहाजा बेलगाम के मुसलमानों का भी यह हक है कि वो जमहूरी तरीके से एहतजाज जुलूस के जरिए अपना मुतालबा पेश करे। और इंतजामिया को चाहिए कि इसकी इजाजत दी जाए, लेकिन मौजूदा दौर में देखा जा रहा है कि मखसूस समाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक ज़हनी तअस्सुब से मुतासिर होते तमाम महकमा देखे जा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने इसी बात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भारत में पुलिस भी अब भाजपाइयों के हक में अपनी कार्रवाई कर रही है। और अगर देखा जाए तो ये सच भी है, दिगर जुलूसों इजलासों पर तो कार्रवाई नहीं होती, तलवारों के साथ फिरका पर दंदना सकते हैं, पुलिस पहरा होने के बावजूद भी हजारों लोग सड़कों पर निकल सकते हैं। लेकिन अगर अकलियती समाज का कोई शख्स फेसबुक पर भी कोई पोस्ट करता है तो इससे बिजली की रफ्तार से कार्रवाई की जाती है। यकीन मानिए महकमा इंतजामिया अपना भरोसा खोता नजर आ रहा है। जरूरत है इस भरोसे को जीतने की, दोबारा बहाल करने की। महज एक समाज को अल्फाजों के जरिए समझाने या मुकदमों के जरिए डराने से बेहतर है कि मुजरिम को जुर्म की नजरों से देखे। यकीनन ये काम बहुत मुश्किल है क्योंकि इनकी भी नौकरियां हैं। सियासी लीडरों का दखल हर मामले में होता है और ऐसा नहीं कि इंतजामिया के कुछ ईमानदार अफसर इसे महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन तबादले का डर भी तो होता है। खैर, जिस तरह मुसलमानों में डर खौफ पैवस्त करने का काम किया जा रहा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह खामोशी टूट जाए। लिहाजा खामोशी बुजदिली की निशानी होती है, हमें बोलना चाहिए, खासकर बेलगाम के पस मंजर में फिरके, मसलक और अब तो सियासी पार्टियों के साथ मुख्तलिफ लीडरों के चाहने वाले भी सरगर्म हो चुके हैं। खुदारा इनसे गुजारिश है कि कौम की मोहब्बत का झूठा नकाब ओढ़कर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश ना करें। सियासी मुफाद तो खत्म होने वाला है, मुस्लिम माशरा बहुत ही नासमझ है, सियासी लीडरों के पैतरों को समझने की सलाहियत अभी नहीं आई है। चंद दुनियाई मुफाद के लिए इस कौम के नौजवानों को गुमराह ना करना, वैसे भी दुनिया की मोहब्बत ने मौजूदा दौर के मुसलमानों को निगल लिया है। बचा कुछ जो भी सरमाया है मैं अल्लाह और उसके रसूल की खातिर बचाने की कोशिश करे, हर एक को मुत्तहिद करने की कोशिश करे। कहीं तो भी मुस्लिम समाज भटकता गुमराह होता दिखाई दे रहा है, कोई भी किसी भी सियासी पार्टी से रहे लेकिन समाज को मुत्तहिद करने की कोशिश करे। महज मुसलमानों के मुफाद पर ही अपनी कुव्वत को खर्च करे। अगर कुछ लोग सियासी मुफाद हासिल करना चाहते हैं तो बाशऊर लोग इससे गुरेज करें। लिहाजा बढ़ते हुए मजालिम हमें मुनज्जम मुत्तहिद होने पर आमादा तो कर रहे हैं, पर जरूरत है कि सही रहबर हो, वरना तो रहजनों की कमी इस माशरे में नहीं है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आज रजा अकेडमी की जानिब से जो बेलगाम शहर बंद किया गया उसकी कुछ मनाजिर। त्रिपुरा में बिलखसूस मुसलमानों पर जो तशद्दुद और मजालिम ढाए गए और मस्जिदों को नजर आतिश किया गया, कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, बिलखसूस ये बात कहते हुए हमें बड़ी शर्म भी महसूस हो रही है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की गई। इस सिलसिले में रज़ा एकेडमी की जानिब से बंद का ऐलान
बरस जुमा 12 नवंबर को किया गया है, उसकी तायीद करते हुए सीरत कमेटी ज़िला बेलगाम के जानिब से आज उसकी हम तायीद करते हुए शहर बेलगाम के मुख्तलिफ तंजीमें कमेटियाँ जमात अहले सुन्नत कर्नाटका ब्रांच शाख बेलगाम, तंजीम उलमा अहले सुन्नत गरीब नवाज फाउंडेशन, टीपू सुल्तान संघर्ष समिति, अशरफी फाउंडेशन, गुलिस्तान अहले सुन्नत, फैज़ान बाशबान ट्रस्ट सब मिल कर के सीरत कमेटी ज़िला बेलगाम की जानिब से डीसी सर को मेमोरेंडम दे रहे हैं। हालात बहुत ही नासाज हैं। कसरत के साथ मेजॉरिटी में बहुत सारे लोग आज जमा होने वाले थे, पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से इंस्ट्रक्शन मिलने की वजह से बड़े हिकमत के तौर पर उनको आज यहाँ नहीं लाया गया और रोका गया है। और शहर बेलगाम के मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान सीरत कमेटी ज़िला बेलगाम के बैनर तले आज डीसी सर को मेमोरेंडम देते हुए उस मजालिम जो ढाए गए हैं उसकी हम पुरजोर अपील गवर्नमेंट से करते हैं कि उसकी कार्रवाई हो और जितने भी इसके जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त सज़ा हो। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಸೀಂ ರಿಜ್ವಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಕುರಾನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಜಾ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವನ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ರಜಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಪೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂ ಬಂದಿಗೆ ಇವನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ತಿರುಪುರದಲ್ಲಿ ಆದ ಮಿಸ್ಯೂಜಸ್ಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನರೇಬಲ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾನೂನಿ ಕಾರ್ವಾಯಿ ಕಾನೂನಿ ಕಾರ್ವಾಯಿ ಅದರ ಲೋಕಪರ ಆನೆ ವಾಲೆ ದಿನೊಮ್ಮೆ ಈ ಮುಲ್ಕ ಹಾಲಾತ್ ಬಿಗಡ್ತಾರೆ और बिगड़ने के बाद में संभालना उस पर बड़ी मुश्किल है। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो हालात हर स्टेट में हो रहे हैं उनको फौरन बंद करें। मैं सबसे पहले सीरत कमेटी बेलगाम के माध्यम से आज डी सी को मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं। तो ये तमाम तंजीमें यहाँ बेलगाम के मुसलमानों ने बेलगाम यहाँ सभी लोग जमा है, जो त्रिपुरा में जो वायलेशन हुआ है उसकी बेलगाम के मुसलमान पुरजोर मजम्मत करते हैं। और जो कुरान को नज़र आतिश किया गया, मस्जिदों को आग लगाई गई और जो दूसरे अल्फाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, पुरजोर हम मजम्मत करते हैं। और त्रिपुरा हुकूमत और इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से हुकूमत से अपील करते हैं कि वो पुरजोर उसकी सख्त से सख्त उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
रज़ा एकेडमी के जानिब से सारे मुल्क में बंद का ऐलान किया गया था। आज हम सारे बेलगाम के मुसलमान अपनी दुकानों को बंद करके आशिक नबी होने का सबूत देते हुए और हम इसकी पुरजोर मुजम्मत। आज हमारे देश में ये बीजेपी वाले आरएसएस वाले जिस तरह से इस मुल्क में जो ये फैला रहे हैं, एक आदमी के इसमें खून खराबा फैला रहे हैं, दुश्मनी फैला रहे हैं, इनका तो पहले से 1928 से में जब इनकी ये आरएसएस की स्थापना हुई उससे लेकर आज तक इनका एससी एसटी के खिलाफ होने दो, मुसलमान के खिलाफ होने दो, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ होने दो, ओबीसी के खिलाफ होने दे, ये जहर उगलते ही आए हैं। आज भी यही काम कर रहे हैं, कल भी यही काम करेंगे। इसलिए हम आज जो पूरे भारत देश में उनके आरएसएस के खिलाफ में, बीजेपी के खिलाफ में, आज हम पूरे मुल्क पर हमारे अम्बेडकरवाद उनके साथ में है, हमारे बहुजन क्रांति मोर्चा उनके साथ में है, भामसेफ उनके साथ में है, और हमारे साथ में हमारे साहब वामन मेश्राम साहब उनके साथ में है, हम सब मुसलमान भाई के साथ में है। आज हमें सबको मिलके आरएसएस और बीजेपी के साथ में लड़ना है, और हम आज का ये बंद करके आज एक ऐलान करते हैं, उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। अगर जो परसों त्रिपुरा में घटना हुए, अगर वो दोहराने की अगर कोशिश हुआ तो हम पूरे देश में जो है जो भी आगे इसके आगे जो घटना घटेगी उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी ही उसे जिम्मेदार होगी। वो जब से भारत देश में जब हमारा संविधान आया है वो संविधान को पहले से तरफ से भी नहीं मानते थे, आज भी नहीं मान रहे। अब तो पूरा सेक्युलर और सोशलिस्ट ये वर्ड निकालने की वो बात कर रहे हैं। परसों आपने देखा होगा वो अनंत कुमार हेगड़े, वो जो हरामी है, वो बोलता है कि हम संविधान बदलने के लिए आए करके बोलते हैं। अगर संविधान हमारे हाथ से निकल गया तो एससी एसटी माइनॉरिटी मुसलमान हमें ये लोग कहीं के नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम मुसलमान भाई से, एससी एसटी ओबीसी भाई से हम ये गुजारिश है, हम सबको मिलके इनके खिलाफ में लड़ना है, और वो जो उनका जो मनोकामना है हम कभी भी पूरा नहीं होने देंगे, चाहे वो संविधान बदलने की हो या इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की हो, वो कभी भी हम कामयाब नहीं बनाने देंगे। आज बेलगाम शहर में रज़ा एकेडमी की हिमायत में सीरत कमेटी ज़िला बेलगाम और दूसरे तंजीमों के मातहत एक मेमोरेंडम दिया गया। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। इसकी मुसादात जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है उसको उसके मजम्मत करते हुए बेलगाम के सारे अवाम जो है मिलकर मुसलमानों अपने दुकानें बंद किए, अपने कारोबार बंद कर जो है गम व गुस्से का मुजाहरा किए, 100% कामयाब रहा मुजाहरा। साथ ही साथ हुकूमत को मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ऐसे अनासिर के खिलाफ अगर आवाज़ सख्ती से कार्रवाई नहीं करें तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है हिंदुस्तानी जमहूरियत का शेराजा बिखर जाएगा। आप अभी से इस पर कार्रवाई करें, वरना और अफसोस भी इस बात का होता है कि जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वही कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, इस बात का भी अफसोस होता है। तो अभी भी वक्त है कि आप लोग जो है हमारे सब्र का इम्तिहान न लें और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि देखा गया है मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त करता है लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता। आज कांग्रेस भवन में यौम टीपू मनाया गया। कांग्रेस कायद सतीश जारकिहोली की जेर सदारत में टीपू जयंती को मनाया गया। आज सदारती बयान देते हुए सतीश जारकिहोली ने कहा कि भाजपा लीडर आज महज सियासी मुफाद हासिल करने के लिए टीपू सुल्तान की मुखालफत करते रहते हैं। टीपू सुल्तान की तारीख को दोहराना आज बहुत जरूरी है। आज मुल्क को आज़ादी मिली है तो टीपू शहीद की कुर्बानी अहम है। इन्होंने आरएसएस की जानिब से टीपू सुल्तान पर झूठे इल्जाम लगाने की भी बात कही और कहा कि टीपू सुल्तान की फौज ने 70,000 लोगों का कत्ल मडकेरी में करने की बात कही जाती है, जबकि ये झूठ है, वहां की आबादी ही उतनी नहीं थी, ऐसा भी उन्होंने कहा। लिहाजा तारीख को समझकर बात करने की जरूरत है। आज भाजपा को टीपू से नफरत है लेकिन यही वो लोग थे जिन्होंने टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश के इजलासों में हिस्सा लिया था। खासकर येडियुरप्पा, जगदीश शेट्टर, आर अशोक और भी दिगर सियासी लीडरों ने टीपू जयंती मनाई है, ऐसा कहा। अब महज सियासी मुफाद हासिल करने के लिए टीपू सुल्तान से नफरत की जा रही है, इस वक्त अकलियतों के दिगर लीडरान भी मौजूद थे। बिटकॉइन में रुपया इन्वेस्टमेंट का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस की जानिब से बिटकॉइन में भाजपा लीडरों के मुलविस होने की पक्की तलाश की बात करते हुए कांग्रेस सदस्य डी के शिवकुमार ने 100% दस्तावेज मौजूद होने की बात कही।
इसी तरह बेलगाम में भी कांग्रेस लीडर सतीश जारकिहोली ने बिटकॉइन में जो भी मुजरिम पाया जाता है इस पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई करने की मांग की। एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला जारी रखने से बेहतर है कि कार्रवाई हो, कोई भी हो इस पर कार्रवाई की जाए, ऐसा भी उन्होंने कहा। बेलगाम शहर के सियासत में दिन ब दिन तब्दीलियां बढ़ती नजर आ रही है। 2009 के बाद सियासत से दूरियां अख्तियार करने वाले साबिक एमएलए रमेश कुर्ची एक बार फिर शहर कांग्रेस सियासत में सरगर्म होने के इम्कान नजर आ रहे हैं। आखिर इतने सालों से गोशा नशी हुए रमेश कुर्ची सतीश जारकिहोली के जरिए कांग्रेस में दाखिल हो रहे। हासिल इत्तला के मुताबिक 2023 में होने वाले इंतखाबात में इन्हें अहम जिम्मेदारी देने की भी बात कही जा रही है। जो भी हो पर रमेश कुर्ची की वापसी पर चर्चा जरूर हो रही है। हलगा मच्छे बाईपास मामला फिर से सुलग उठा है। हुकूमत की जानिब से लहलहाती फसल पर जेसीबी चलाने को लेकर पुलिस और किसानों के दरमियान बहस मुबहस देखे गए। जेसीबी को फसल पर चलते देख किसान के लड़के ने पेट्रोल डाल खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसे बाद में बचा लिया गया। आकाश नाम का शख्स जिसने खुदकुशी की कोशिश की इस पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। पुलिस बंदोबस्त में हलगा बाईपास का काम शुरू किया गया। एहतजाज करने वाले किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया और काम को जारी रखा है। रहमान फाउंडेशन नुमानी हॉस्पिटल की जानिब से वर्ल्ड डायबिटिक डे के मौके पर बरोज इतवार 14 नवंबर को फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जाने वाला है, जिसमें शहर के माहिर डॉक्टर्स की शिरकत होगी, जिसमें शुगर, बीपी, थायराइड का मुफ्त चेकअप और दवाइयां फराहम की जाएंगी। नुमानी अस्पताल सुभाष नगर पहुंचकर मुफ्त इलाज का फायदा उठाने का ऐलान रहमान फाउंडेशन की जानिब से किया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।